Hello, good morning to everyone. Welcome to Make My Exam an official YouTube channel of IBT. मैं कुमार संभव दिन सोमवार को आपके सामने फिर से हाजिर हूँ करंट अफेयर्स द वेकअप शो लेकर, जहां पर हम करंट अफेयर्स को बहुत ही आसान शब्दों में डील करते हैं आने वाले सभी कंपिटेटिव एग्जाम्स के लिए, चाहे वो स्टेट लेवल का एग्जाम्स हो, चाहे वो सेंट्रल लेवल का, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से वो एग्जाम्स कंडक्ट किया जा रहा हो, किसी भी तरह के एग्जाम्स के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है वो होता है करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर्स का जमावड़ा इतना ज्यादा हो जाता है कि उसको समझना बड़ा जरूरी हो जाता है, और आसान शब्दों में अगर हम उसे समझते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी एग्जाम के लिए। तो मैं कुमार संभव करंट अफेयर्स द वेकअप शो के माध्यम से आप लोगों को यही एक कोशिश लगी रहती है कि करंट अफेयर्स आपको समझ में आ जाए। तो देखिए, सैटरडे को लास्ट मिले थे, संडे को हमारी छुट्टी थी, मंडे को हम फिर से आपके सामने हैं बहुत सारी खबरों को लेकर। तो सबसे पहले हम हेडलाइंस को डिस्कस करेंगे और उन्हीं हेडलाइंस को, उन्हीं सुर्खियों को विस्तार से जानेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसके बाद हम क्विज के सेशन को भी अटेंड करेंगे। तो काफी सारी चीजें हैं करने को आज सोमवार को, फ्रेश स्टार्ट, मंडे मॉर्निंग, मंडे मोटिवेशन को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं सभी फ्रेंड से रिक्वेस्ट करूंगा और आग्रह करूंगा कि वो ज्यादा से ज्यादा इस लाइव स्ट्रीम को, जो अभी चल रहा है लाइव स्ट्रीम, उसको शेयर करिए, और शेयर केयर करने से ही हमारे ज्ञान के अंदर बढ़ोतरी होगी और आपके व्यू पॉइंट्स को भी हम जानेंगे। तो देखते हैं कितने फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़े हैं। उन सभी के जुड़ने के बाद हेडलाइंस की तरफ मूव करेंगे जो आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, और उसके बाद उन्हीं हेडलाइंस को डिटेल में जानेंगे। तो बहुत सारे फ्रेंड्स जो हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो सभी को गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम और नमस्ते। तो देखते हैं हेडलाइंस की तरफ मूव करेंगे, और हेडलाइंस की तरफ मूव करने से पहले मैं फिर से सभी को एक बारी रिक्वेस्ट कर दूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, इस लाइव स्ट्रीम को। देखिए, वीडियो अपलोड होने के बाद, वीडियो रिकॉर्ड होने के बाद, उसके बाद तो आप शेयर करते ही करते हैं, उसका बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। लेकिन अभी से, अभी लाइव स्ट्रीम जो चल रहा है, सभी को 8 बजे उठाना है। अगर आप उठे हुए हो तो आपके सभी फ्रेंड्स और दोस्त जो हैं वो भी उठने चाहिए। तो हम जल्दी जल्दी चलते हैं हेडलाइंस की तरफ, और एक बार सभी को गुड मॉर्निंग करते हुए मैं हेडलाइंस आपके लिए पढ़ रहा हूं। और हेडलाइन है, पहला इंपॉर्टेंट न्यूज, अभी कुछ दिन पहले ईरान के राष्ट्रपति जो हैं वो इंडिया, भारत के दौरे पे आए थे, और भारत के दौरे पे आने के बाद उन्होंने कुछ अग्रीमेंट्स, कुछ समझौतों के ऊपर सिग्नेचर किया। तो पहला न्यूज वही है, इंडिया ईरान साइंड 9 MOUs, दैट इज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू बूस्ट बायलेटरल टाइज। तो अपने द्विपक्षीय रिश्तों को और मजबूत करने के लिए भारत और ईरान ने 9 समझौते किए हैं। सेकंड न्यूज कि गवर्नमेंट साइंड, इंक्स का मतलब क्या होता है साइंड, तो गवर्नमेंट इंक्स $100 million लोन अग्रीमेंट विद NDB, दैट इज न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसके बारे में जरूर जानेंगे कि ये न्यू डेवलपमेंट बैंक क्या है। लोन अग्रीमेंट विद NDB फॉर राजस्थान वाटर प्रोजेक्ट। तो यूनियन गवर्नमेंट ने, NDB एक बैंक है, NDB, उसके बारे में जरूर जानेंगे। तो NDB के साथ $100 million का एक लोन अग्रीमेंट किया है, किसके लिए, तो राजस्थान के वाटर प्रोजेक्ट के लिए। देन उसके बाद लोकसभा स्पीकर, तो अभी हमारी करंटली जो लोकसभा की स्पीकर है, जिनको ताई जी के नाम से जाना जाता है, सुमित्रा महाजन जी, तो उन्होंने इनॉग्रेट किया है CPA कॉन्फ्रेंस इन पटना। तो CPA कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री अफेयर, और एक मीटिंग जो है उसको अटेंड किया यहां पर, और उसको ऑर्गेनाइज किया कि किस तरह से संसदीय कार्य प्रणाली जो है, पार्लियामेंट्री अफेयर्स जो है, वो किस तरह से स्ट्रांग हो सके, उसके ऊपर एक मीटिंग का आयोजन जो है वो पटना में किया गया, जहां पर बहुत सारे देशों के प्रतिनिधि जो है वो इस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे हुए थे। देन कैनेडियन PM जस्टिन ट्रूडो अभी भारत के दौरे पे हैं, वो 7 दिन ही भारत के दौरे पे हैं, जो हस्ताक्षर करेंगे, जो अग्रीमेंट करेंगे, उनके बारे में भी जानेंगे, लेकिन कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज को जानेंगे। देन इंडियन इंजीनियर अवार्डेड साइंस टेक ऑस्कर अवार्ड, विकास साथी नाम है उनका, और उन्होंने एक रिसेंटली अवार्ड जीता है, साइंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ऑस्कर अवार्ड जीता है, जिसको अभी हम तुरंत जानेंगे। देन उसके बाद कुछ और हेडलाइंस की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से और हेडलाइंस हैं। तो ये कुछ मुख्य खबरें हैं, उसके बाद और कुछ मुख्य खबरें जिसके ऊपर एक बार हम निगाह डाल लें, और उन्हीं मुख्य खबरों को फिर से हम डिटेल में जानेंगे। द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एग्रीकल्चर 2022, 2022 का टारगेट है गवर्नमेंट का, एग्रीकल्चर 2022 डबलिंग फार्मर्स इनकम टू बी हेल्ड इन न्यू दिल्ली। तो किस तरह से किसानों की इनकम को डबल किया जाए, जो यूनियन बजट में भी बात करी गई थी, उसी के अकॉर्डिंग
एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा आज, मतलब 19 फरवरी और 20 फरवरी को, तो 19 और 20 फरवरी को इसका आयोजन, इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहां पर होगा? न्यू दिल्ली में होगा, अंडर द एजिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग। देन उसके बाद गवर्नमेंट अलाउज व्हाट्सएप पेमेंट टू रोल आउट टू 1 मिलियन बीटा यूजर्स, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो देखिए व्हाट्सएप एक बीटा, मतलब व्हाट्सएप बीटा नाम से नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के छत्र छाया में उसके एजिस के अंदर पेमेंट सॉल्यूशन को लेकर यूपीआई के साथ लिंक करने जा रहा है। मतलब व्हाट्सएप जो है, व्हाट्सएप बीटा नाम से एक पेमेंट सॉल्यूशन लॉन्च किया जाएगा और यूपीआई जो है वो व्हाट्सएप के साथ कनेक्टेड होगा, तो उसके बारे में जरूर जानेंगे। देन रॉजर फेडरर बिकम्स ओल्डेस्ट वर्ल्ड नंबर 1 इन टेनिस हिस्ट्री। तो टेनिस की हिस्ट्री में, लॉन टेनिस की हिस्ट्री में सबसे उम्र दराज नंबर 1 की रैंकिंग हासिल करने वाले रॉजर फेडरर जो हैं वो एक खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने आंद्रे अगासी, जो पूर्व खिलाड़ी थे, उनका रिकॉर्ड तोड़ा है। और आखिरी खबर जो है, आखिरी हेडलाइंस जो है आज की, वो है इंडियाज सेकेंड लूनर मिशन, चंद्रयान मिशन जो है, लूनर मतलब चांद के ऊपर जो एक मिशन है, चंद्रयान 2 टू बी लॉन्च इन अप्रैल। चंद्रयान 1 जो है वो बहुत सफल हुआ था, तो चंद्रयान 2 को अप्रैल में लॉन्च करने की संभावना है इसरो के द्वारा। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूज है जो अभी हमने हेडलाइंस के थ्रू जाना, अब इन्हीं हेडलाइंस को हम विस्तार से जानेंगे, डिटेल में जानेंगे और देखेंगे कि यहां से कितने क्वेश्चंस जो हैं वो आने वाले एग्जाम्स के लिए बन सकते हैं। और लास्ट में हमारा क्विज का सेशन होगा, तो मैं फटाफट फिर से एक चीज आपके लिए अनाउंस कर दूं कि आप इस लाइव स्ट्रीम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा जो स्टूडेंट्स हैं और ये जो स्टूडेंट्स फ्रटर्निटी है वो इसका भरपूर फायदा उठा सके। तो अब हम बढ़ चलते हैं इन्हीं हेडलाइंस को विस्तार से जानने के लिए, इंडिया ईरान 9 अग्रीमेंट्स जो किए हैं उसके ऊपर चलते हैं और देखते हैं तब तक व्यूअर्स क्या कह रहे हैं, और व्यूअर्स के व्यूज लेते हुए इन न्यूज को हम जरूर, कोई बात नहीं संजू मीना जी, आज से आप स्टार्ट करिए और आज और पिछले जितने भी शोज हैं आप उसको जरूर सुनिए। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। बहुत सारे दोस्त हैं तो सभी का नाम लेना जो है वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैं क्विज के सेशन में इसको जरूर मैं करूंगा, कोशिश करूंगा कि मैं सभी के नाम लूँ, जो जो भी राइट आंसर देंगे मैं उन सभी का नाम लूंगा क्विज के सेशन में, तो तैयार रहिएगा क्विज के लिए। लेकिन सबसे पहले पहली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं और एक चीज जो मैं बार बार कह रहा हूँ, शेयर करिए शेयर करिए, टेक्निकल टीम की तरफ से बार बार मैसेज आ रहा है शेयर करने के लिए। तो मैं और टेक्निकल टीम की गुजारिश है आप सभी से कि आप इस वीडियो को, लाइव स्ट्रीम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जिससे बहुत सारे फ्रेंड्स इसका बेनिफिट उठा सके। तो फर्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ रहे हैं, इंडिया ईरान साइंड 9 MOUs टू बूस्ट बायलिटरल टाइज। तो इंडिया और ईरान, भारत और ईरान ने अपने द्विपक्षीय रिश्तों को और मजबूत करने के लिए रिसेंटली, ईरान के राष्ट्रपति भारत के दौरे पे आए थे, ईरान के राष्ट्रपति का नाम हसन रूहानी। तो आपको फटाफट आंसर करना है, देखिए आगे के मतलब स्लाइड्स के अंदर मैंने वो जानकारी दे रखी है कि ईरान की करेंसी क्या है, ईरान की कैपिटल क्या है, ईरान के पार्लियामेंट का नाम क्या है, वो आप मुझे अभी तुरंत कमेंट में बताइए और मैं उस चीज को कंफर्म करूंगा। ईरान की कैपिटल, ईरान की करेंसी और ईरान के पार्लियामेंट का नाम क्या है आप मुझे बताइएगा, और मैं कुछ महत्वपूर्ण समझौतों को डिस्कस कर लेता हूं कि इंडिया ईरान के बीच में जो 9 समझौते हुए हैं उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट्स कौन से हैं उसके बारे में बात करते हैं। इंडिया एंड ईरान हैज साइंड 9 अग्रीमेंट्स इन ऑर्डर टू फर्दर द बायलेटरल कोऑपरेशन बिटवीन टू साइड्स। तो दोनों रिश्तों को मजबूत करने के लिए, द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूत करने के लिए ये 9 समझौते जो हैं भारत और ईरान के बीच में हुए हैं। रिसेंटली ईरान के राष्ट्रपति भारत के दौरे पे थे जिनका नाम हसन रूहानी। तो देखते हैं इस न्यूज को थोड़ा और डिटेल में करते हैं कि कौन कौन से क्षेत्र में ये समझौते हुए हैं और उसके बाद कुछ और जानकारी जुटाते हैं इससे। द पैक्ट्स वर साइंड, पैक्ट मतलब अग्रीमेंट समझौता, द पैक्ट्स वर साइंड आफ्टर डेलीगेशन लेवल टॉक्स बिटवीन पीएम नरेंद्र मोदी एंड विजिटिंग ईरानियन प्रेसिडेंट हसन रूहानी एट न्यू दिल्ली हैदराबाद हाउस। तो न्यू दिल्ली में जो हैदराबाद हाउस है वहां पर ये मीटिंग हुई जहां पर ईरानियन प्रेसिडेंट हसन रूहानी और पीएम नरेंद्र मोदी ने ये समझौता किया। द टू कंट्रीज इंक्ड पैक्ट टू एनहांस कोऑपरेशन इन द एरियाज ऑफ, तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज है जहां पर ये समझौते हुए हैं। तो फर्स्ट टैक्सेशन मतलब टैक्स की फील्ड से, कर के क्षेत्र से, देन मैरीटाइम कोऑपरेशन मतलब समुद्र के रास्ते मैरीटाइम कोऑपरेशन की, मतलब हम इस तरह से मैरीटाइम कोऑपरेशन करें जैसे चाबहार पोर्ट का निर्माण हम कह सकते हैं कि मैरीटाइम कोऑपरेशन के बीच में आएगा। देन हेल्थ एंड मेडिसिन, स्वास्थ्य और मेडिसिन को लेकर, देन ट्रेड को लेकर, बिजनेस को लेकर, एग्रीकल्चरल एंड पोस्टल कोऑपरेशन, खेतीबाड़ी और डाक विभाग से जुड़ी हुई कोऑपरेशन, जो सहयोग जो है
उसके बीच में हमने ये समझौते किए। तो देखिए कुछ पेपर्स के अंदर जो स्टाइल रहता है अग्रीमेंट्स बिटवीन टू कंट्रीज, तो वो ये पूछा जाता है कि भारत और ईरान के बीच में कौन से समझौते हुए हैं। तो निम्नलिखित तो जो भी ऑप्शंस आपके सामने होंगे उसमें से राइट ऑप्शन को आपको टिक करना होगा, और कई बार ऑड वन आउट ऑप्शंस भी होते हैं, मतलब तीन ऑप्शन सही होते हैं और आपको क्वेश्चन में कहा जाता है कि आप गलत ऑप्शन को चुनिए, मतलब इसमें से जो नहीं है अग्रीमेंट किया हुआ उसे आपको निकालना है। तो ये जो एक चीज है इसको समझने की जरूरत है कि कौन कौन से फील्ड में, टैक्सेशन, मैरिटाइम कोऑपरेशन, हेल्थ एंड मेडिसिन, ट्रेड, एग्रीकल्चर एंड पोस्टल कोऑपरेशन। तो मैंने क्वेश्चन पूछा था, बिल्कुल सही है सोनू कुमार जी, हरकिरण जी, जयप्रकाश, देन सोनू, संजू, ज्योति, मशकूर, जॉनी और श्वेता, मास्टरमाइंड कोचिंग, जीके हरियाणा। तो जब सभी का आंसर जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो राइट है, और मैं हिंदी में ही बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, बाइलिंगुअल रखना पड़ता है पूरे भारतवर्ष को समझ में आ जाए, करंट अफेयर्स द वेकअप शो का एक ऑब्जेक्टिव, तो उसके अकॉर्डिंग हम बाइलिंगुअल करते हैं कि हमारा जो न्यूज है वो इंग्लिश में लिखा होता है और उसको मैं आसान शब्दों में हिंदी और इंग्लिश दोनों में उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ईरान की कैपिटल जो है वो है तेहरान, ईरान, तेहरान। ईरान की करेंसी है रियाल और ईरान के पार्लियामेंट का नाम जो है वो कई स्टूडेंट्स का आंसर जो है नहीं आ रहा है। ईरान की कैपिटल जो है वो है, ईरान की कैपिटल तेहरान, ईरान की करेंसी रियाल और ईरान के पार्लियामेंट का नाम है मजलिस, मतलब इसका इस्लामिक नेम जो है वो है मजलिस, ईरानियन मजलिस, उसको इस्लामिक कंसल्टेटिव पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव भी बोलते हैं, लेकिन उसका रियल नेम क्या है, मजलिस। मजलिस का मतलब एक जगह पर इकट्ठा होना, उसको मजलिस बोलते हैं। तो इसी न्यूज को थोड़ा और डिटेल में करते हैं कि और कौन कौन से एग्रीमेंट्स जो है किस तरह से किए गए हैं उसको करते हैं, और बाद में एक और चीज मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा ईरान से रिलेटेड, चाबहार पोर्ट की बात जो मैंने आपको बताई। चाबहार पोर्ट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, चाबहार पोर्ट, चाबहार बंदरगाह जो है वो भारत और ईरान के बीच में, जहां पर पाकिस्तान के थ्रू हमें नहीं जाना पड़ेगा और इंडिया, अफगानिस्तान और ईरान जो है इनके सहयोग के माध्यम से हमने एक बंदरगाह निर्माण किया है जिसका नाम है चाबहार पोर्ट, तो वो भी इंडिया ईरान के बीच की बात है। देन बोथ द कंट्रीज आल्सो साइंड एन अग्रीमेंट, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बोथ द कंट्रीज आल्सो साइंड एन अग्रीमेंट ऑन एग्जम्पशन फ्रॉम वीजा रिक्वायरमेंट फॉर होल्डर्स ऑफ डिप्लोमेटिक पासपोर्ट। तो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट का मतलब राजनयिक पासपोर्ट, राजनैतिक पासपोर्ट, तो जो भी राजनेता और डिप्लोमेटिक लेवल के लोग होंगे उनको वीजा एग्जम्पशन जो है वो जरूर मिलेगा। तो वीजा एग्जम्पशन के लिए डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होल्डर्स को वीजा एग्जम्प्ट किया गया है। देन इंडिया एंड ईरान साइंड एन अग्रीमेंट फॉर द अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट, DTAA, DTAA का मतलब होता है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट, एक ऐसा समझौता जहां पर दो देश आपस में मिलकर एक समझौता, एक अग्रीमेंट करते हैं जहां पर उनको टैक्स जो है एक ही कंट्री में देना पड़ता है। मान लीजिए ईरान का कोई बिजनेसमैन है जो इंडिया में बिजनेस कर रहा है और इंडिया में बिजनेस करने के बाद वो इंडिया में टैक्स दे रहा है, तो इस अग्रीमेंट के तहत, इस दोहरे अग्रीमेंट के तहत उसे ईरान में जाकर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और इससे और क्या होगा, देखिए इंडिया एंड ईरान साइंड डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट एंड द प्रिवेंशन ऑफ फिस्कल इवेजन विद रिस्पेक्ट टू टैक्सेस ऑन इनकम। फिस्कल इवेजन का मतलब क्या होता है, वित्तीय चोरी, मतलब फाइनेंशियल इवेजन का मतलब होता है टैक्स इवेजन, कि टैक्स की चोरी ना कोई कर पाए। तो इंडिया ईरान ऐसा समझौता करेगी जहां पर यह सुनिश्चित किया जा सके, इस चीज को श्योर किया जा सके कि यहां पर टैक्स की चोरी नहीं हो रही है और लीगली आपकी कंट्री के अंदर हमारा जो सिटीजन है वो टैक्स दे रहा है। तो ये जो चीज है ये हमने अग्रीमेंट किया है इंडिया और ईरान के बीच में। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी बातें जरूर समझ में आई होगी। हम नेक्स्ट मूव करते हैं और देखते हैं कि और कौन से न्यूज है। द अग्रीमेंट विल स्टिमुलेट द फ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो इससे होगा क्या, इस अग्रीमेंट से, डीटीए डबल वाले अग्रीमेंट से क्या होगा, तो एक इन्वेस्टमेंट का फ्लो बढ़ेगा, टेक्नोलॉजी और पर्सनल फ्रॉम इंडिया टू ईरान, इट विल इंप्रूव ट्रांसपेरेंसी इन टैक्स मैटर्स, तो टैक्स मैटर्स के अंदर भी एक ट्रांसपेरेंसी जो है वो आएगी और टैक्स की जो चोरी होती है उसको भी कम किया जा सकेगा। और कुछ क्विक फैक्ट्स जो है वो आपके सामने है कि ईरान की करेंसी है रियाल और ईरान की कैपिटल है तेहरान। बिल्कुल, तो
कोई बात नहीं जी, अभी ये न्यूज़ का सिलसिला शुरू हुआ है और इस चीज़ को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इंडिया और ईरान के बीच में 9 समझौते हुए हैं और 9 समझौते जो हैं वो आपके सामने डिटेल में समझा दिया गया। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ जाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो जो है वो शेयर करिए, ये रिक्वेस्ट हमारी तरफ से आपको। और नेक्स्ट हम चलते हैं न्यूज़ की तरफ। गवर्नमेंट साइंड 100 मिलियन लोन अग्रीमेंट विद NDB फॉर राजस्थान वाटर प्रोजेक्ट। तो NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक या ब्रिक्स बैंक बोलते हैं, 2014 ब्राजील के शहर फोर्ट अलेजा के अंदर एक सम्मेलन हुआ था जहां पर ब्रिक्स नेशन ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इन पांचों देशों ने मिलकर वर्ल्ड बैंक के तहत, मतलब वर्ल्ड बैंक के कंपैरेटिवली एक बैंक खोलने का मतलब ओथ लिया था उन्होंने कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका का एक बैंक होगा वर्ल्ड बैंक के जैसा ही, और उस बैंक का नाम रखा ब्रिक्स बैंक कहिए या NDB कहिए उसको, न्यू डेवलपमेंट बैंक। आपको फटाफट बताना है कि NDB का हेडक्वार्टर कहां पर है और NDB जो है उनके प्रेसिडेंट का नाम क्या है, न्यू डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट का नाम क्या है जो 5 सालों के लिए अपॉइंट किए गए हैं और वो एक इंडियन है। तो मैं यहां पर इस न्यूज को आपके लिए पढ़ देता हूं कि गवर्नमेंट हैज साइंड सेकेंड लोन अग्रीमेंट विद न्यू डेवलपमेंट बैंक फॉर द फाइनेंसिंग ऑफ राजस्थान वाटर सेक्टर रीस्ट्रक्चरिंग प्रोजेक्ट फॉर द डेजर्ट एरिया। तो राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों के वाटर प्रोजेक्ट के लिए यूनियन गवर्नमेंट ने ब्रिक्स बैंक, जिसको हम NDB भी बोलते हैं, न्यू डेवलपमेंट बैंक के साथ $100 मिलियन का एक अग्रीमेंट किया है। तो कीवर्ड्स यहां से क्या निकल के आ रहे हैं, तो कीवर्ड्स ये निकल कर आ रहे हैं कि यूनियन गवर्नमेंट ने राजस्थान वाटर प्रोजेक्ट के लिए NDB के साथ एक समझौता किया है, एक लोन अग्रीमेंट साइन किया, और वो लोन अग्रीमेंट कितने का है, $100 मिलियन का है। तो ये कीवर्ड्स आपको याद रखने हैं, NK सिंह आपके लिए है ये चीज कि ये कीवर्ड्स आपको याद रखना है जो पेपर के अंदर पूछा जा सकता है कि ये कितने। देखिए कैची पॉइंट है, ये कोई रॉकेट साइंस का सब्जेक्ट नहीं है, GK है, जनरल नॉलेज है, करंट अफेयर्स है, जहां पर आपको इन चीजों को सिर्फ अपने माइंड में रखना होता है कि ये चीजें जो है कहां से पूछी जा सकती है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं इसके बारे में और विस्तृत जानकारी जो है वो कौन कौन सी है। दिस इज द फर्स्ट ट्रांच लोन ऑफ 100 मिलियन वॉज अप्रूव्ड बाय द NDB अंडर मल्टी ट्रांच फाइनेंसिंग फैसिलिटी ऑफ 345 मिलियन फॉर दिस प्रोजेक्ट। तो इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए जो टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट है, मतलब एक पूर्ण लागत जो लगेगी इसके ऊपर, वो $345 मिलियन लगेगी। उसकी पहली किश्त आप कह सकते हैं, उसका पहला इंस्टॉलमेंट आप कह सकते हैं $100 मिलियन जो है वो अप्रूव किया गया है NDB के द्वारा इस वाटर प्रोजेक्ट के लिए। कौन से स्टेट के लिए, राजस्थान के लिए। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट इज टू रिहैबिलिटेट 678 किलोमीटर लॉन्ग इंदिरा गांधी नहर प्रोजेक्ट। तो इंदिरा गांधी नहर प्रोजेक्ट जो राजस्थान का एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट, जिसे बहुत साल पहले बिल्ट किया गया था, तो उसी प्रोजेक्ट को ये रिहैबिलिटेट करेगा, इसका पुनर्विकास किया जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये जरूर समझ में आया होगा। और मैंने कुछ क्वेश्चन पूछा था आपसे कि NDB का हेडक्वार्टर और NDB जो है वो उसका प्रेसिडेंट कौन है, उनके प्रेसिडेंट कौन है। तो एग्जैक्टली सभी स्टूडेंट्स का आंसर जो है, सिमर सैनी सत श्रीकाल जी, और पूर्णिमा, जयप्रकाश, जॉनी, जयप्रकाश, ज्योति, अमित, कपिल, आप बिल्कुल टाइम पर हो और सभी का आंसर जो है वो बिल्कुल सही है। मोहित जी आपका भी आंसर सही है, दीपक कुमार आपका भी आंसर सही है। तो इसका राइट आंसर क्या है, न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB का हेडक्वार्टर, जिसे ब्रिक्स बैंक भी बोला जाता है, उसका हेडक्वार्टर है शांघाई चाइना। और NDB के प्रेसिडेंट एक इंडियन है और उनका नाम है KV कामत। तो इस चीज को जरूर याद रखिएगा, NDB का हेडक्वार्टर शंघाई चाइना और NDB के प्रेसिडेंट का नाम KV कामत। तो नेक्स्ट मूव करते हैं और देखते हैं कि और कौन कौन से इंपॉर्टेंट न्यूज है और उसके बारे में जरूर जानेंगे, और लास्ट में क्विज का सेशन जो है उससे भी अटेंड करेंगे। तो क्विक फैक्ट्स देखिए क्या है यहाँ पर, NDB के बारे में कुछ क्विक जानकारी जो है, ड्यूरिंग द 6th ब्रिक्स समिट इन फोर्ट अलेजा, जो मैं शुरुआत में ही आपको बता चुका हूं कि फोर्ट अलेजा समिट 2014 में जो हुआ था एट ब्राजील, तो वहां पे लीडर्स, तो मतलब ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका के लीडर्स ने एक डेवलपमेंट बैंक बनाने की बात करी थी, जिसका नाम NDB रखा या ब्रिक्स बैंक भी बोला जाता है, और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, शंघाई चाइना में। नेक्स्ट मूव करते हैं और देखते हैं और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट खबरें हैं जो हमारा इंतजार कर रही है, उसको डिटेल में जानेंगे और उसके बाद लास्ट में हमारा क्विज सेशन। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करिए जिससे बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिल सके। तो लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन इनॉगरेट्स CPA कॉन्फ्रेंस इन पटना। तो लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन इनॉगरेटेड द 6th
कॉन्फ्रेंस ऑफ कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन। तो कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन, कॉमनवेल्थ नेशंस वो नेशंस होते हैं, अगर सिंपल लैंग्वेज में इसको समझना हो तो कॉमनवेल्थ राष्ट्र वो राष्ट्र है जिसको राष्ट्रमंडल बोलते हैं हिंदी में, राष्ट्रमंडल देश, और कॉमनवेल्थ नेशंस वो देश है जहां पर ब्रिटिशर्स का एक राज रहा। तो जहां जहां अंग्रेजों ने अपनी कॉलोनीज बनाई उन देशों को हम कॉमनवेल्थ नेशंस बोलते हैं। तो कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन सीपीए ऑफ इंडिया रीजन इन पटना, तो सीपीए इंडिया जो है ये कहां पर मनाया गया, कॉन्फ्रेंस कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया रीजन इन पटना बिहार। तो ये दो दिन ही 17 फरवरी को ये स्टार्ट हुआ, 17-18 फरवरी को ये आयोजन किया गया इसका, ज्ञान भवन पटना के अंदर, जहां पर संसदीय कार्य प्रणाली मतलब पार्लियामेंट का जो अफेयर है वो स्मूथ वे में कैसे चल सके उसके लिए इसके ऊपर बात की गई। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये खबर है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट के साथ इसको स्टार्ट किया गया जिसको समझने की जरूरत है, और वो आस्पेक्ट ये कि किसी भी देश के अंदर तीन ऑर्गन होते हैं, और तीन ऑर्गन की अगर हम बात करें तो वो है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो लेजिस्लेटिव का रोल जिसको हम पार्लियामेंट बोलते हैं, लेजिस्लेशन का काम क्या होता है, कानून बनाना, जो किसके थ्रू बनेगा, पार्लियामेंट के थ्रू बनेगा। तो पार्लियामेंट संसद जो होता है वो देश का मतलब कह लीजिए बैकबोन होता है, जहां पर हम 5 सालों के लिए उनको चुनकर भेजते हैं, एमपीज और एमएलए को चुनकर भेजते हैं जिनको हमारे देश की सरकार, राज्य की सरकार चलानी होती है, और उसके बाद उनके ऊपर बहुत जिम्मेदारी होती है। और संसदीय कार्य प्रणाली जो है मतलब पार्लियामेंट्री अफेयर्स जो है वो किस तरह से स्मूथली काम करे डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इसके ऊपर ये बातचीत करी गई है। और ये आयोजन कहां पर किया गया, सीपीए कॉन्फ्रेंस का, तो पटना के ज्ञान भवन में इसका आयोजन किया गया। बढ़ते हैं इसकी तरफ और जानते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट खबरें इसी से रिलेटेड। तो देखिए द कॉन्फ्रेंस ऑफ सीपीए ऑफ इंडिया रीजन इज कंडक्टेड फॉर 2 डेज, मेन सब्जेक्ट फॉर डिस्कशन इन द कॉन्फ्रेंस आर पार्लियामेंट्स रोल इन द डेवलपमेंट एजेंडा एंड लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। तो देखिए इसका थीम कह लीजिए या मेन टॉपिक कह लीजिए आपका, तो मेन टॉपिक और थीम क्या रहा, तो पार्लियामेंट्स रोल इन द डेवलपमेंट एजेंडा, तो विकास के एजेंडा के लिए, विकास के लिए पार्लियामेंट का रोल जो है वो क्या है, और लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। तो अभी जो एक मतलब कह लीजिए टसल बिटवीन हमारे इंडिया के अंदर जो एक कंफ्लिक्ट बिटवीन लेजिस्लेटर और जुडिशरी जो है उसका जो एक मतलब हम कह सकते हैं कि टसल चल रहा है, कंफ्लिक्ट चल रहा है, उसको किस तरह से स्मूथ किया जाए लेजिस्लेचर और जुडिशरी के फंक्शनिंग को। तो ये दो थीम और ये दो टॉपिक्स यहां पर डिस्कस किए गए, पार्लियामेंट्स रोल इन द डेवलपमेंट एजेंडा एंड लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। तो नियरली 100 डेलीगेट्स फ्रॉम इंडिया एंड कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, युगांडा आर टेकिंग पार्ट इन दिस कॉन्फ्रेंस। आल्सो स्पीकर्स ऑफ स्टेट असेंबलीज एंड चेयरपर्सन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स आर आल्सो पार्टिसिपेटिंग। तो हमारे देश के विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा के प्रतिनिधि के अलावा देश दुनिया के 100 डेलीगेट्स जो हैं वो इस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे हुए थे। सीपीए जो है उसके बारे में थोड़ी जानकारी जुटाते हैं कि सीपीए क्या है और वो कब कब ये मीटिंग्स जो है उसको ऑर्गेनाइज करता है। तो देखते हैं अगली स्लाइड की तरफ इसी खबर को थोड़ा और डिटेल में, और उसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से कि इस वीडियो को और ज्यादा शेयर करिए जिससे लाइव स्ट्रीम के अंदर एनके सिंह जैसे स्टूडेंट्स जो इसका भरपूर फायदा उठा सके, जिससे उनको भी बेनिफिट हो और कीवर्ड्स उनको जरूर मिलते रहे आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो मेक माई एग्जाम और हम सभी का एक एफर्ट रहता है और इवन व्यूअर्स का भी एक पार्टिसिपेटिंग एफर्ट रहता है कि हम किस तरीके से कंपिटेटिव एग्जाम्स के अंदर करंट अफेयर्स को बिल्कुल भी एक ट्रॉमा ना बनने दें और बिल्कुल भी एक टेंशन ना क्रिएट करने दें और करंट अफेयर्स को आसान शब्दों में समझ लें। तो लॉ मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद एंड फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर मुरली मनोहर जोशी विल प्रेजेंट की नोट एड्रेस, तो वो एड्रेस करेंगे यहां पर इमिलिया लिफाका, चेयरपर्सन ऑफ सीपीए। सीपीए की चेयरपर्सन कौन है, इमिलिया लिफाका। एग्जीक्यूटिव कमेटी सेड दैट वी शुड वर्क टूवर्ड्स इंक्रीजिंग वुमेन रिप्रेजेंटेटिव इन पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर। तो किस तरह से वुमेन रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाया जाए, हमारे इंडिया में भी एक बिल पेंडिंग है बहुत सालों से कि वुमेन को पार्लियामेंट में 33% का रिजर्वेशन मिलना चाहिए, इसके ऊपर भी बात करी गई। तो अबाउट कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन सीपीए के बारे में अगर हम जा रहे हैं तो ये फाउंडेड कब हुआ था, 1911 को, और इनकी चेयरपर्सन कौन है, इमिलिया मोंजोवा लिफाका, और वाइस चेयरमैन कौन है, एलेक्जेंड्रा मेंडिस। तो ये जो चीजें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आपके लिए। और सीपीए कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ऑफ कोर्स कॉमनवेल्थ समिट और कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जहां पर होगा वहीं पे कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन का हेडक्वार्टर है, और हेडक्वार्टर कहाँ पे है, लंदन, यूके।
उम्मीद करता हूं कि आपको ये खबर जरूर समझ में आई होगी। नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं अगली खबर को इससे भी विस्तार में, और लास्ट में हम क्विज सेशन को जरूर अटेंड करेंगे। तो नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं और जानेंगे उस खबर को और विस्तार से, और उसके बाद क्विज सेशन जरूर होगा हमारा जिसको आपने अटेंड करना है। देखिए कैनेडियन पीएम, नेक्स्ट न्यूज जो है कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो, आप फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन में कनाडा की कैपिटल बताइए, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ कनाडा, कनाडा की कैपिटल क्या है वो जल्दी से बताइए मुझे। कैनेडियन पीएम अराइव्ड ऑन अ 7-day विजिट टू इंडिया, तो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो जो है वो अभी रिसेंटली इंडिया के दौरे पे आए हैं, 7 दिनी दौरा है उनका, 7 to 8 days का एक विजिट है। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा जस्टिन ट्रूडो अराइव्ड इन इंडिया ऑन अ 7-day स्टेट विजिट, तो 7 दिनी राजनीतिक दौरे के ऊपर वो भारत आए हुए हैं। तो जो भी समझौते होंगे उन चीजों को भी हम जल्दी और जरूर डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स द वेकअप शो के माध्यम से। लेकिन आपको नेक्स्ट लेकर चलते हैं, वो कहां कहां आएंगे, तो गोल्डन टेंपल अमृतसर, हरमिंदर साहिब अमृतसर, गोल्डन टेंपल अमृतसर, स्वर्ण मंदिर में आने का भी उनका प्रोग्राम है, तो वो जरूर आएंगे वहां पर। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं और इसी न्यूज को जानते हैं थोड़ा और डिटेल में कैनेडियन पीएम के बारे में। तो अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, तो विदेश मंत्रालय के द्वारा ये कहा गया कि हिज विजिट इज एम्ड एट फर्दर स्ट्रेंथनिंग बायलेटरल रिलेशंस बिटवीन द टू कंट्रीज इन की एरियाज ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट इंक्लूडिंग ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, तो दोनों देशों के बीच में जो एक आपसी सहमति है इन्वेस्टमेंट जो है उसको बढ़ाने के लिए, एनर्जी के ऊपर, साइंस एंड इनोवेशन के ऊपर, देन हायर एजुकेशन के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और स्किल डेवलपमेंट और स्पेस, तो ये सभी सेक्टर्स के ऊपर बात करने के लिए जस्टिन ट्रूडो जो है ये समझौता लेकर आए हैं, 7 दिनों के दौरे पे आए हैं। कौन कौन सी बातों को करने के लिए, तो देखिए ट्रेड और इन्वेस्टमेंट, एनर्जी, साइंस एंड इनोवेशन, हायर एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट एंड स्पेस, अंतरिक्ष की बातें करने के लिए जस्टिन ट्रूडो प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा विजिटेड इंडिया। तो अभी विजिट पे है वो, 7 दिनों के दौरे पे है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैड पेड अ बायलेटरल विजिट टू कनाडा इन अप्रैल 2015, तो हमारे नरेंद्र मोदी जी जो है वो 2015 में कनाडा गए थे। द लास्ट विजिट ऑफ अ कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर टू इंडिया वॉज इन नवंबर 2012, और जस्टिन ट्रूडो से पहले 2012 में ही कनाडा के पीएम जो है वो इंडिया आए हुए थे। तो ये एक रीसेंट विजिट है और इतने सालों में ये कैनेडियन पीएम की पहली विजिट है इंडिया को। तो क्विक फैक्ट्स मैंने पूछा, बिल्कुल सभी का आंसर जो है वो सही है, मोहम्मद दार, संजू, केबीर, संजू, देन जॉनी त्यागी, अश्वनी आनंद, हर किरण, तो ये मेरे जो रेगुलर व्यूअर्स हैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी जो है राइट है, और आपका आंसर क्या है, तो कनाडा की कैपिटल मैंने पूछी, तो कनाडा की कैपिटल है ओटावा, उसको ओटावा भी बोलते हैं या ओटावा भी बोलते हैं, तो कनाडा की कैपिटल है ओटावा या ओटावा, और कैनेडियन करेंसी है कैनेडियन डॉलर। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये जरूर समझ में आया होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं न्यूज की तरफ, इंडियन इंजीनियर अवार्डेड साइंस टेक्नोलॉजी ऑस्कर अवार्ड, तो विकास साथीये, मतलब इनका नाम है विकास साथीये, अ पुणे बॉर्न पर्सन, तो पुणे के रहने वाले विकास साथीये, उनको एक अवार्ड दिया गया है, हैज बीन ऑनर्ड विद द साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग एकेडमी अवार्ड एट द ऑस्कर साइंटिफिक एंड टेक्निकल अवार्ड 2018। तो ऑस्कर बहुत ही फेमस अवार्ड है, तो ऑस्कर के अंदर एक कैटेगरी आती है, उस कैटेगरी का नाम है साइंटिफिक एंड टेक्निकल अवार्ड 2018 एट बेवरली हिल्स इन लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया। तो कैलिफोर्निया, लॉस एंजलिस, बेवरली हिल्स के अंदर एक आयोजन किया गया एकेडमी अवार्ड्स की तरफ से, ऑस्कर अवार्ड की तरफ से, और उसी के अंदर एक मतलब कैटेगरी, और उस कैटेगरी का नाम है साइंस टेक ऑस्कर अवार्ड, जो हमारे इंडियन को मिला है, विकास साथीये को मिला है। तो विकास साथीये का नाम जो है वो जरूर याद रखिएगा, विकास साथीये इज इक्वल टू कीवर्ड जो आ रहा है यहाँ से, विकास साथीये इज इक्वल टू साइंस टेक्नोलॉजी ऑस्कर अवार्ड प्रेजेंटेड बाय एकेडमी अवार्ड्स एट लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये जरूर समझ में आ गया, इसी न्यूज को जो है जरूर हम जो है इसको डिटेल में करते हैं और विस्तृत जो जानकारी है वो जरूर हम करते हैं। टेक्निकल टीम की तरफ से क्वेश्चन है कि कैनेडियन डॉलर का जो इंडियन प्राइस क्या है, देखिए कैनेडियन डॉलर का प्राइस या किसी भी कंट्री का जो प्राइस है जिसको हम फॉरेक्स बोलते हैं, फॉरेन एक्सचेंज बोलते हैं, मतलब एक कंट्री की करेंसी का, ये टेक्निकल टीम की तरफ से क्वेश्चन है, और व्यूअर्स को भी इसका आंसर दे दूं मैं कि वो मे बी कैनेडा जाने की प्लानिंग कर रहे हो तो वो चाह रहे हैं कि वो कैनेडियन डॉलर की वैल्यू कितनी है, तो मैं बता दूं उनको कि किसी भी कंट्री की करेंसी की वैल्यू जो है वो हर दिन
मतलब मिनट टू मिनट, सेकंड्स टू सेकंड्स, अप एंड डाउन होती रहती है। लेकिन अगर एक अनुमान बताऊं तो वो अनुमान जो है वो 50 रुपीज के आसपास है, मतलब एक कैनेडियन डॉलर की जो वैल्यू है वो 50 रुपए के आसपास है। तो वो बढ़ती रहती है, 1-2 रुपए का फर्क जो है वो पड़ता रहता है, वो जरूर पड़ता रहेगा। तो टेक्निकल टीम शायद मेरे आंसर से संतुष्ट हो, और इसी न्यूज को मैं थोड़ा और डिटेल में लेकर जाऊंगा और व्यूअर्स से भी जुड़ूंगा तुरंत ही। तो साथ ही एंड हिज टीम रिसीव द अवार्ड फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड कंसेप्चुअलाइजेशन, डिजाइनिंग, इंजीनियरिंग एंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द शॉट ओवर K1 कैमरा सिस्टम। तो एक कैमरा सिस्टम को इन्होंने डेवलप किया, जिस कैमरा सिस्टम का नाम शॉट ओवर K1 कैमरा सिस्टम रहा। ड्यूरिंग हिज स्टिंट एट शॉट ओवर कैमरा सिस्टम इन क्वींसटाउन न्यूजीलैंड, तो न्यूजीलैंड में इन्होंने इस चीज की प्रदर्शनी करी थी। अगर आपको आसान शब्दों में समझाऊं तो विकास साथिए और उनकी टीम ने क्या किया, तो उनकी टीम ने एरियल फिल्मिंग के लिए एक नई टेक्नोलॉजी का इजाद किया। एरियल मतलब हवा में फिल्मिंग, मतलब एक हेलीकॉप्टर जैसा यंत्र जो है वो कैमरे को हवा में लेकर जाएगा और एक माउंट बनाएगा, और उस चीज के अंदर इन्होंने इस तरह का एक आविष्कार किया जिससे उस टेक्नोलॉजी के अंदर एक बहुत ही, मतलब आप कह लीजिए कि इनोवेटिव तरीका अपनाया इन्होंने, जिससे आने वाले टाइम में फिल्म इंडस्ट्री और ये जितनी भी इंडस्ट्री है, मतलब ग्लैमर इंडस्ट्री जो है उसके अंदर ये कैमरा और व्यूइंग जो सिस्टम है उसको उन्होंने बहुत ही एक नई दिशा दी है, जिस वजह से उनको ये अवार्ड साइंस टेक ऑस्कर अवार्ड दिया गया। तो क्विक फैक्ट्स क्या है, द साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग अवार्ड, ये जो अवार्ड है साइंटिफिक और इंजीनियरिंग अवार्ड जो है, ऑस्कर अवार्ड जिसको कहा जाता है, इज गिवन फॉर साइंटिफिक अचीवमेंट दैट प्रोड्यूस अ डेफिनेट इन्फ्लुएंस ऑन द एडवांसमेंट ऑफ मोशन पिक्चर इंडस्ट्री। तो मोशन पिक्चर इंडस्ट्री के अंदर आप जितना ज्यादा एडवांस होइएगा, उस एडवांसमेंट के कारण आपकी जो तकनीक है, आपकी जो टेक्नोलॉजी है, वो जितना ज्यादा एडवांसमेंट होगी उस चीज के लिए आपको ये अवार्ड दिया जाता है। और विकास साथी है जो एक इंडियन है उनको साइंस टेक्नोलॉजी ऑस्कर अवार्ड दिया गया 2018 का, आपको इतना याद रखना। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये न्यूज जरूर समझ में आया होगा। नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। कीवर्ड्स क्या निकला, विकास साथी है, साइंस टेक ऑस्कर अवार्ड 2018, और किस चीज के लिए मिला उनको, शॉर्ट एवर K1 कैमरा सिस्टम के लिए उनको ये अवार्ड दिया गया। तो नेक्स्ट न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एग्रीकल्चर 2022 डबलिंग फार्मर्स इनकम। तो देखिए यूनियन बजट में भी 2018-19 अरुण जेटली जी ने 1 फरवरी को यूनियन बजट पेश किया, जिसके अंदर उन्होंने 1.5 टाइम, 1.5 गुना एमएसपी देने का वादा किया है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो जो मिनिमम समर्थन मूल्य जो है वो किसानों को 1.5 गुना देने का वादा किया, और उसी सीरीज के अंदर रिसेंटली कॉन्फ्रेंस का आयोजन आज 19 फरवरी और 20 फरवरी को किया जाएगा दिल्ली के अंदर। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एग्रीकल्चर 2022, 2022 तक यूनियन गवर्नमेंट का टारगेट है कि किसानों की जो इनकम है वो डबल हो जाए। तो उसी चीज को उन्होंने एक थीम बना दिया, एक टाइटल दे दिया, और थीम क्या रखा, एग्रीकल्चर 2022 डबलिंग फार्मर्स इनकम टू बी हेल्ड इन न्यू दिल्ली। तो आपको क्या याद रखना है कि यूनियन गवर्नमेंट अंडर द एजेस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, तो फटाफट मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर, तो हमारे कृषि मंत्री कौन है उसका नाम जल्दी जल्दी जो है उनका नाम आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर इज ऑर्गेनाइजिंग अ नेशनल कॉन्फ्रेंस अंडर द टाइटल ऑफ एग्रीकल्चर 2022 डबलिंग फार्मर्स इनकम इन न्यू दिल्ली 19 एंड 20 फरवरी। तो 19-20 फरवरी को यह आयोजन किया जाएगा, कहां पर, तो न्यू दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। और आयोजन कर कौन रहे हैं, तो यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं और नेक्स्ट मूव करते हैं और देखते हैं कि इसके बारे में और कौन कौन सी विस्तृत जानकारी है। और तब तक आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जो है वो शेयर करिए, टेक्निकल टीम की तरफ से बहुत ज्यादा मुझे जो है ये कहा जा रहा है, और मेरी भी दिली इच्छा है कि आप जो है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइव स्ट्रीमिंग को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जिससे आपको और आपके जितने भी साथी हैं उनको इसका फायदा मिल सके। तो मैं उन्हीं न्यूज को आपके लिए कलेक्ट करके लेकर आता हूं जो न्यूज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आने वाले एग्जाम्स का हिस्सा बन सकती है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस, तो एग्रीकल्चर 2022 का जो ये मतलब कॉन्फ्रेंस है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, उनका मेन उद्देश्य क्या है, इज टू बिल्ड अ कंसेंसस एंड अराइव एट एक्शनेबल पॉइंट्स ऑन मेजर्स टू बी गिवन फॉर शेपिंग एंड शार्पनिंग सेंट्रल गवर्नमेंट्स विजन ऑन डबलिंग फार्मर्स इनकम बाय 2022। तो एक तरह से एक एक्शन लेते हुए और एक विजन के साथ, मतलब केंद्र सरकार का ये टारगेट है कि 2022 तक किसानों की इनकम जो है, आमदनी जो है,
वो दुगनी कर दी जाए। तो सेवन ब्रॉड थीम्स रखे गए इसके अंदर, सात थीम और उसके अंदर सब थीम्स भी रखे गए, जिसके बारे में हम जरूर जानेंगे आने वाले न्यूज के अंदर, मतलब आने वाले लेक्चर्स के अंदर, कि ये थीम्स क्या रहे। मतलब अभी तो आज होना है ये और कल भी होगा, तो आज और कल ये कॉन्फ्रेंस होगा, तो उनके थीम्स के बारे में और उसके बारे में विस्तृत जानकारी जो है हम अपने करंट अफेयर्स द वेकअप शो के माध्यम से जरूर उठाएंगे। लेकिन यहां से कीवर्ड क्या है आपको, तो कॉन्फ्रेंस ऑन एग्रीकल्चर 2022 डबलिंग फार्मर्स इनकम जो है वो कहां पर होगा, तो वो न्यू दिल्ली में होगा। कब से कब तक, 19 to 20 February 2018। और मैंने जो नाम पूछा तो बिल्कुल सही सभी का आंसर, हरकिरण, मामुनी, प्रेमराज, ज्योति, संजू, निक, जॉनी, अमित, राकेश, पिंकी, जयप्रकाश, नायरा, रेनू, मोहम्मद, संजू, सतपाल, तो सभी का आंसर जो है वो बिल्कुल सही है। राधा मोहन सिंह इज द यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। तो कृषि मंत्री कौन है हमारे इंडिया के, राधा मोहन सिंह। नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कि अगली खबर क्या है, लेकिन उससे पहले इसी न्यूज को थोड़ा और विस्तार से, तो देखिए जो मैंने चीज आपको बताई, डिस्कशन डेलिब्रेशन ऑन एवरी थीम विल बी हेल्ड बाय ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेटिंग कंप्राइजिंग फार्मर्स, फार्मर एसोसिएशन। तो इस मीटिंग के अंदर किसान, किसान यूनियन संगठन, इकोनॉमिस्ट, साइंटिस्ट, एकेडमिशियंस, प्रोफेशनल एसोसिएशंस, एनजीओस एंड पॉलिसी मेकर्स, मतलब सभी को एक मंच पर इकट्ठा करके उनके प्रॉब्लम्स को, उनके इश्यूज को सुना भी जाएगा और उसका हल भी किया जाएगा। और एवरी ग्रुप विल प्रेजेंट देयर फाइनलाइज्ड रिकमेंडेशन एट द कंक्लूडिंग सेशन ऑन February 20, 2018 इन प्रेजेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो 20 फरवरी को नरेंद्र मोदी के समक्ष ये जितने भी ग्रुप्स हैं वो अपना एक सुझाव जो है उसको सबमिट करेंगे, जिसको केंद्र सरकार आने वाले टाइम में मानेगी भी, और 2022 तक जो उनका लक्ष्य है कि किसानों की इनकम को दुगना कर दिया जाए उसको भी पूरा करेगी। नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगली खबर क्या है, और उसके बाद जल्दी से बढ़ेंगे हम क्विज सेशन की तरफ। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको कि लाइव स्ट्रीम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है आपने, कि जिससे सभी स्टूडेंट्स जो है इसका भरपूर फायदा उठा सके। देन गवर्नमेंट अलाउज व्हाट्सएप पेमेंट टू रोल आउट टू 1 million बीटा यूजर्स, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो NPCI की तरफ से जो एक मुहिम स्टार्ट करी गई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो भुगतान करने की एक प्रणाली है हमारे इंडिया के अंदर, पेमेंट सोल्यूशन की जो प्रणाली है, जिसका रेगुलेटर कौन है, NPCI। तो NPCI का जो प्रोडक्ट है UPI और भीम, तो आपको जल्दी जल्दी बताना है UPI और भीम का फुल फॉर्म, UPI और भीम का फुल फॉर्म। तो न्यूज ये है कि व्हाट्सएप जो है वो UPI और भीम के साथ मिलकर 1 million लोगों को, मतलब 10 लाख लोगों को, अभी शुरुआती तौर पर 10 लाख लोगों को जो है वो पेमेंट सोल्यूशन देगा। मतलब व्हाट्सएप जो है वो एक ऐसी टेक्निक है कि ऑलमोस्ट हर दूसरा इंडियन जो होगा वो डेफिनेटली व्हाट्सएप के ऊपर होगा। और किस तरह से, मतलब लास्ट ईयर 2017 में रविशंकर प्रसाद जो हमारे IT मिनिस्टर हैं, उन्होंने व्हाट्सएप के चीफ के साथ मिलकर ये मीटिंग करी थी और उन्होंने बोला था कि किस तरह से व्हाट्सएप का इस्तेमाल किया जा सकता है पेमेंट सोल्यूशन के लिए, और उसका फैसला आ भी गया है। और वो न्यूज ये कि द अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑल रिटेल पेमेंट्स इन इंडिया हैज गिवन। तो अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन किसकी बात कर रहे हैं, NPCI की बात कर रहे हैं, जो सभी पेमेंट सोल्यूशन का एक जो मेन गढ़ है और मेन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन, उसका नाम है NPCI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो उन्होंने एक कंसेंट, उन्होंने एक मंजूरी दी है किसको, व्हाट्सएप भीम UPI बीटा लॉन्च विद लिमिटेड यूजर बेस ऑफ 1 million एंड लो पर ट्रांजेक्शन लिमिट। तो ट्रांजेक्शन लिमिट को भी, मतलब यहां पर तय किया जाएगा कि मिनिमम ट्रांजेक्शन लिमिट इतना ही होगा, अभी जस्ट अनाउंसमेंट हुई है, और 1 million यूजर्स जो है रिसेंटली इसके अंदर यूज किए जाएंगे। तो देखिए व्हाट्सएप बीटा, मतलब उन्होंने एक साइन किया अग्रीमेंट विद भीम UPI अलॉन्ग विद NPCI, कि आपको NPCI को, भीम UPI को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है, तो उसको व्हाट्सएप के साथ जोड़ा गया बाय द नेम ऑफ व्हाट्सएप बीटा, BETA बीटा। तो मैंने क्या पूछा, बिल्कुल सही सभी का आंसर जो है वो सही है, हरकिरण, संजू, शिखा, राजेश, कौशिक, जॉनी, शिखा, कौंडल, हरकिरण, कपिल, पिंकी, कौमिला, प्रभजोत, रंजना, ज्योति, प्रभजोत, संजू, हरकिरण, रंजना, पिंकी, मोहित, अनप्लग। तो सभी का आंसर जो है वो बिल्कुल सही है। UPI stands for Unified Payment Interface, UPI stands for Unified Payment Interface, और भीम का फुल फॉर्म जो भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर पड़ा भीम, लेकिन BHIM stands for भारत इंटरफेस फॉर मनी। तो ये एक ऐप है जो बिल्कुल एक पेमेंट ऐप की तरह, जैसे पेटीएम है
और जिस तरह से अलग अलग बैंकों के अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के ऐप है, उसी तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऐप है यूपीआई भीम, जो व्हाट्सएप बीटा के साथ मिलकर अपनी पेमेंट सोल्यूशन को और ज्यादा ब्रॉडन करेगा और ज्यादा इसको फैलाएगा। तो इस चीज को और डिटेल में पढ़ते हैं और जानते हैं कि इससे जुटी हुई जानकारी जो है वो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज और इंफॉर्मेशन है जिसके बारे में हम जान सकते हैं। तो नेक्स्ट मूव करते हैं और देखते हैं इससे जुड़ी हुई और जानकारी। और व्यूअर्स को मैं सलाम करता हूं कि वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और बिल्कुल बिल्कुल जो है उस चीज को मतलब आप प्रमोट कर रहे हैं, कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो पार्टिसिपेंट्स जो है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ने चाहिए। जॉनी त्यागी जी, अश्वनी आनंद जी, हरकिरण जी, जो संजू मीना जी, राजेश कौशिक जी, ये मेरे कुछ रेगुलर व्यूअर्स हैं। कुछ के नाम अगर मैं भूल गया हूं तो मुझे माफ करिएगा, लेकिन आपका ये जो लगन देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए और भी पार्टिसिपेंट्स जोड़िए, जिससे एक हेल्थी कॉम्पिटिशन जो है वो यहाँ पर बिल्ट होगा और उससे हमारी जानकारी में बढ़ोतरी होती रहेगी। तो जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर ज्यादा डिस्कशन ही हमें एग्जाम को क्लियर करवाने में मदद करेगा। तो देखिए डिटेल्स अबाउट व्हाट्सएप पेमेंट बीटा लॉन्च। तो व्हाट्सएप बीटा जो है उसके बारे में थोड़ी जानकारी, ज्यादा जो जानकारी है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके लिए मैं लेकर आया हूं उसको। व्हाट्सएप पेमेंट सर्विस विद फुल फ्लेज फीचर्स विल बी लॉन्च इन इंडिया आफ्टर द बीटा टेस्ट ऑफ द सर्विस इज सक्सेसफुल। तो सक्सेसफुल होने के बाद इसको लॉन्च किया जाएगा। व्हाट्सएप हैड रिसीव्ड अप्रूवल टू यूज यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस आफ्टर मीटिंग बिटवीन व्हाट्सएप को फाउंडर ब्रायन एक्टन एंड यूनियन मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रविशंकर प्रसाद इन फेब्रुवरी 2017। तो ठीक एक साल पहले रविशंकर प्रसाद और ब्रायन एक्टन जो को फाउंडर है व्हाट्सएप के, उनकी मुलाकात में यह फैसला किया गया था जिसको अमली जामा अब पहनाया गया। देन यूपीआई लॉन्च्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट इज अ सिंगल विंडो मोबाइल पेमेंट सिस्टम दैट पावर्स मल्टीपल बैंक अकाउंट्स इनटू अ सिंगल मोबाइल एप्लीकेशन। तो एक ऐप है जिसके अंदर आप मल्टीपल बैंक अकाउंट्स के नंबर को डालकर आप पेमेंट सॉल्यूशन कर सकते हैं। मतलब पेटीएम जैसा ही है यूपीआई, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऐप जो पेटीएम से मिलता जुलता है और यहां पर पेमेंट सॉल्यूशन किया जाता है। देन मैं इसी को पढ़ूंगा, व्हाट्सएप हैज बीन वर्किंग विद टॉप इंडियन बैंक सच एज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक एंड एक्सिस बैंक टू इंटीग्रेट यूपीआई इनटू इट्स पेमेंट सॉल्यूशन। तो इन बैंकों के साथ व्हाट्सएप मिलकर अपने पेमेंट सॉल्यूशन को और ज्यादा मजबूत करेगा, अपने व्हाट्सएप बीटा को भी स्ट्रांग करेगा और यूपीआई भीम को भी स्ट्रांग करेगा। तो नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कुछ और खबरों को विस्तार से, और उसके बाद जाएंगे क्विज सेशन की तरफ। रॉजर फेडरर, देखिए स्विस स्टार, स्विट्जरलैंड के ये महान प्लेयर, स्विट्जरलैंड की धरती से निकले हुए ये महान प्लेयर टेनिस के, जो 36 वर्ष के हो चुके हैं। मतलब टेनिस एक ऐसा टफ गेम है जहां पर 30 साल की उम्र भी रिटायरमेंट का एज मानी जाती है, लेकिन अपनी उम्र को धता बताते हुए 36 साल की उम्र में ये दोबारा से नंबर वन टेनिस प्लेयर बन गए हैं। 2004 में ये नंबर वन टेनिस प्लेयर बने थे और इनके पास रिकॉर्ड भी है सबसे ज्यादा देर तक नंबर वन रहने का। लास्ट में ये नंबर वन रैंकिंग इन्होंने कब हासिल करी थी, 2012 में, और अभी इनके नाम पर रिकॉर्ड बना है कि ये टेनिस के इतिहास में सबसे उम्र दराज प्लेयर बने हैं, सबसे एजड प्लेयर बने हैं जिन्होंने नंबर वन की रैंकिंग हासिल करी है सिंगल्स में। तो रॉजर फेडरर हैज बिकम द ओल्डेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड टू होल्ड नंबर वन रैंक इन द एटीपी वर्ल्ड रैंकिंग। तो एटीपी रैंकिंग के अंदर, एटीपी एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्लेइंग जो है उस रैंकिंग के अंदर जो है उन्होंने नंबर वन रैंक जो है उसको हासिल किया है। रॉजर फेडरर स्विट्जरलैंड से नंबर वन रैंकिंग और सबसे ओल्डेस्ट प्लेयर, इनकी एज कितनी, 36 ईयर। और रिसेंटली इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रैंड स्लैम का सिंगल टाइटल भी जीता, राफेल नडाल को हराकर, मतलब राफेल नडाल को पीछे छोड़ते हुए, हराया नहीं, राफेल नडाल इससे पहले नंबर वन पे थे और राफेल नडाल को, जो स्पेन के प्लेयर है, उनको पीछे छोड़ते हुए ये नंबर वन की कुर्सी पर आ गए और राफेल नडाल दूसरे नंबर पर खिसक गए। तो उनके बारे में थोड़ी और जानकारी जुटाते हैं और उसके बाद अगर एक क्वेश्चन और होगा तो उसको डिस्कस करने के बाद हम क्विज की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट मूव करते हैं और देखते हैं इससे जुड़ी हुई और खबरें, रॉजर फेडरर से जुड़ी हुई और बात। तो नेक्स्ट मूव करेंगे और देखेंगे उससे पहले व्यूअर्स के व्यूज भी, लेकिन रॉजर फेडरर ने ये मार्क कब अचीव किया। तो रॉजर फेडरर ने रिसेंटली अचीव दिस फीट बाय डिफीटिंग रॉबिन हास 4-6, 6-1, 6-1 टू रीच सेमीफाइनल्स ऑफ द एबीएन एमरो टूर्नामेंट इन रॉटरडेम। तो रॉटरडेम एक जगह है जहां पर ये टूर्नामेंट हो रहा था, उसके अंदर इन्होंने रॉबिन हास नाम के एक प्लेयर को हराया और इस चीज का मुकाम हासिल किया। और आपके लिए एक लेटेस्ट न्यूज मैं और जोड़ दूं कि रॉटरडेम का जो कल ही संडे को, मतलब कल बीता हुआ कल जो है संडे,
उसमें इन्होंने रॉटरडैम टूर्नामेंट को जीत भी लिया है। तो रॉटरडैम टूर्नामेंट ग्रिगरी दिमित्रोव, मतलब उनका नाम थोड़ा डिफिकल्ट है, बुल्गारिया के प्लेयर ग्रिगरी दिमित्रोव को हराकर रॉटरडैम सेमीफाइनल मतलब फाइनल मुकाबला जो है टेनिस का रॉजर फेडरर ने जीत लिया है। तो रॉजर फेडरर इज 36 ईयर ओल्ड, ही हैज रिटर्न टू नंबर वन पोजीशन इन द वर्ल्ड रैंकिंग फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 2012। तो 2012 के बाद ये पहली बार नंबर वन रैंकिंग पे आए हैं और रीच नंबर वन पोजीशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2004। जैसा मैंने बताया पहली बार ये 2004 में वर्ल्ड नंबर वन बने थे और इन्होंने अमेरिका के आंद्रे अगासी का रिकॉर्ड तोड़ा है, सबसे उम्रदराज नंबर वन रैंकिंग वाले प्लेयर बनने का। आंद्रे अगासी 33 साल की उम्र में, 33 इयर्स ओल्ड में वो बने थे नंबर वन प्लेयर, और रॉजर फेडरर कितनी उम्र में बने, 36 में बने हैं। तो अबाउट रॉजर फेडरर, कंट्री स्विट्जरलैंड और राइट हैंडेड प्ले करते हैं, और इनका सबसे फेमस शॉट है वन हैंड से बैकहैंड खेलते हैं, ये वन हैंड से बैकहैंड करते हैं। तो नेक्स्ट मूव करते हैं और देखते हैं इसके बाद और कौन सी न्यूज है, और लास्ट न्यूज के बाद हम चलेंगे, आखिरी न्यूज के बाद हम चलेंगे क्विज सेशन की तरफ। तो जल्दी से जल्दी वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए, लाइव स्ट्रीम को शेयर करने की बात मैं कर रहा हूं कि लाइव स्ट्रीम को शेयर करिए, और लाइव स्ट्रीम को शेयर करने से, शेयर और केयरिंग से क्या होगा, नॉलेज बढ़ेगी, ज्ञान बढ़ेगा। तो इंडिया सेकेंड लूनर मिशन मतलब चांद के ऊपर एक मिशन चंद्रयान वन हम पहले भी लॉन्च कर चुके हैं, सक्सेसफुली लॉन्च किया था। तो चंद्रयान टू टू बी लॉन्च्ड इन अप्रैल। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हैज प्लान टू लॉन्च चंद्रयान टू मिशन अराउंड अप्रैल 2018। देखिए अगली स्लाइड्स में तो इसरो के बारे में पूरी जानकारी है, लेकिन मैं अभी आपसे पूछ रहा हूं कि इसरो का हेडक्वार्टर कहां पर है, इसरो के चेयरमैन का नाम बताइए, इसरो का हेडक्वार्टर कहां पे है और इसरो के चेयरमैन का नाम बताइए। इसरो के चेयरमैन रिसेंटली इलेक्टेड हुए हैं एएस किरण कुमार, जो रिप्लेस किए जा चुके हैं, रिटायर्ड हो चुके हैं, 3 साल का टेन्योर होता है इसरो के चेयरमैन का। और रिसेंटली रॉकेट मैन के नाम से मशहूर एक पर्सन जो साउथ इंडिया से बिलोंग करते हैं, उनको बनाया गया इसरो का चेयरमैन। तो इसरो का चेयरमैन और इसरो का हेडक्वार्टर आपने बताना है। और ये न्यूज मैं दोबारा से आपके लिए पढ़ लूं कि इंडिया सेकेंड लूनर मिशन, सेकेंड क्यों, क्योंकि इससे पहले चंद्रयान वन भी हमने भेजा था, तो चंद्रयान टू टू बी लॉन्च्ड इन अप्रैल 2018। तो पूरी पूरी संभावना है कि अप्रैल 2018 में इसको लॉन्च कर दिया जाए, लेकिन शेड्यूलिंग जो है अप्रैल 2018 में है, लेकिन रीशेड्यूल भी इसका किया गया कि अगर मौसम खराब हुआ तो, अगर अप्रैल में मौसम खराब हुआ तो इसे अक्टूबर में छोड़े जाने की संभावना है। तो देखिए आंसर जो है जल्दी से आ रहे हैं, और देखिए शेयर कर रहे हैं वीडियो के, थैंक यू सो मच ज्योति जी। के शिवन इज द राइट आंसर। सलमान खुर्शीद, कौमिला, निक पचौली, मामुनी, जितेंद्र, पिंकी, राजेश, जॉनी, नायरा, रंजना, ज्योति, पिंकी, प्रेमराज, मामुनी, सतपाल, सभी का आंसर शौकीन, सुमित। शौकीन जी मतलब नाम बड़ा अच्छा रखा है आपने। भागीरथ दास, बिल्कुल भागीरथ जी, आप देखिए भागीरथ के प्रयास से गंगा धरती पर आ गई थी, और भागीरथ जी आपके प्रयास से, मेरे प्रयास से और आप सभी के प्रयास से हम सभी का पेपर क्लियर करवाएंगे, इस चीज की मतलब प्रतिज्ञा लेते हैं। आज आपका पहला दिन है तो उसी भागीरथी प्रतिज्ञा को अपनाइए कि हमने पेपर क्लियर करना है, और बिल्कुल सही आंसर सभी का आ रहा है। तो के शिवन इज द राइट आंसर। के शिवन जो है वो इसरो के चेयरमैन, और इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बेंगलुरु में हेडक्वार्टर है। तो चंद्रयान टू इज इंडिया सेकेंड मिशन टू द मून। इसरो चेयरमैन के शिवन सेड दैट द टोटल कॉस्ट ऑफ चंद्रयान टू मिशन विल बी नियरली रुपीज 8 बिलियन। तो 8 बिलियन रुपीज का मतलब कम से कम 8 बिलियन रुपीज का जो है वो खर्चा आएगा यहां पर। तो इस अमाउंट को नोट डाउन कर लीजिए, 8 बिलियन रुपीज का खर्चा आ सकता है। ही सेड दैट इफ चंद्रयान टू लॉन्च गेट्स कैंसल्ड इन अप्रैल 2018, अगर अप्रैल में वो कैंसल हो जाए तो इसका अनसुटेबल वेदर के कारण, तो इसका रीशेड्यूलिंग कब हो सकता है, अक्टूबर 2018 में। तो उम्मीद करते हैं कि अप्रैल में इसका लॉन्च जो हो जाए और एक इंडिया अनदर ऊंचाई को छुए इस चीज के अंदर, चंद्रयान के अंदर, स्पेस अंतरिक्ष के अंदर। नेक्स्ट बढ़ते हैं और क्विक फैक्ट जुटाते हैं इसरो के बारे में। इसरो के बारे में क्विक फैक्ट्स जो है वो देखिए आपके सामने है। तो अबाउट इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है, फॉर्मड इन 1969। तो 1969 में इसका मतलब फॉर्मेशन हुआ था, ये बना था इसरो, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, बेंगलुरु में, कर्नाटका में इसका हेडक्वार्टर है। और ये रिसर्च कहाँ से करते हैं, शोध कहाँ से करते हैं, अंतरिक्ष में ये सैटेलाइट्स कहाँ से छोड़ते हैं, तो श्री हरिकोटा में इनका एक स्पेस सेंटर है। तो वहां से सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसका उद्घाटन किया जाता है, मतलब सभी सैटेलाइट्स जो है वो कहाँ से छोड़े जाते हैं, सतीश धवन स्पेस सेंटर
कहाँ से? श्री हरिकोटा से। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये न्यूज जो है वो जरूर समझ में आई होगी, और इसके बाद हम क्विज की तरफ बढ़ेंगे। तो देखते हैं के शिवन को रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। लास्ट ईयर इंडिया ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, एक साथ 104 सैटेलाइट्स को छोड़कर, और उसके अंदर हमने 5 से 6 देशों के सैटेलाइट्स को भी छोड़ा था। हमारे तो सिर्फ 3 सैटेलाइट्स थे, और 96 सैटेलाइट्स किसके थे? तो यूएसए के थे। तो ये एक रिकॉर्ड था, और इस रिकॉर्ड के पीछे और इस सभी चीजों के पीछे किनका हाथ था? तो के शिवन का हाथ था, जो तभी निचले पोस्ट पे थे। एएस किरण कुमार तभी चेयरमैन थे, लेकिन के शिवन भी एक इंपॉर्टेंट पोस्ट पे थे तभी, और उनका योगदान बहुत बड़ा था, इस वजह से उनको रॉकेट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चीज को जानना बड़ा जरूरी है। तो आप में से कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो तैयार हैं क्विज सेशन के लिए? तो आज के सेशन से बड़े आसान से क्वेश्चंस जो हैं आपसे जरूर पूछे जाएंगे, और जिसका आंसर जो है आपने देना है, फटाफट देना है। 30 सेकेंड्स का टाइम भी मैं लगा दूंगा यहां पर, और आपको इसका आंसर जल्दी जल्दी देना है। तो देखते हैं कितने स्टूडेंट्स तैयार हैं इस चीज के लिए। जल्दी जल्दी जो है, बिल्कुल इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और देखिए शतक लगने से अभी 99 वॉचिंग है, एक मतलब नर्वस 90s में मुझे आउट मत कर दीजिएगा। तो आपसे एक रिक्वेस्ट जो है कि मैं क्रिकेट भी बड़ा अच्छा खेलता हूँ, और क्रिकेट के अंदर 99 का स्कोर जो है ना वो अनलकी माना जाता है, नर्वस माना जाता है। इसे 100 करिए और फटाफट हम क्विज की तरफ चलते हैं। तो 99 वॉचिंग आ रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी है कि सुबह सुबह हम इतनी शिद्दत के साथ इस शो के साथ जुड़ते हैं। और देखिए क्विज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, और इसका आंसर जल्दी से दीजिए। व्हाट इज द नेम ऑफ ईरान्स प्रेसिडेंट? बहुत ही आसान क्वेश्चन के साथ हमने शुरुआत करी है। ईरान के प्रेसिडेंट का नाम बताइए जो रिसेंटली भारत के दौरे पे आए थे, 9 एमओयूज के ऊपर हस्ताक्षर भी हुए नरेंद्र मोदी के साथ। तो जल्दी से आंसर दीजिए कि इनका नाम क्या है, ईरान के प्रेसिडेंट का नाम बताइए। बिल्कुल सभी तैयार हैं, कोई बात नहीं, जॉनी त्यागी जी आप सभी का एक सहयोग रहेगा तो ये 100 या 1000 तक पहुंचेगा, और यही एक मुहिम है कि इस चीज को हमने लेकर जाना है। 100+ कर दिया, थैंक यू सो मच, मैंने शतक बना लिया, और मैं बिल्कुल तो व्हाट इज द नेम ऑफ ईरान प्रेसिडेंट का नाम बताइए। ईरान के प्रेसिडेंट का नाम जो है, बिल्कुल कपिल गुप्ता जी 100 डन, आपको भी बहुत बहुत बधाई, और मैंने बैट ऊपर भी कर दिया इस तरह से 100 मारने के बाद। बिल्कुल सही है, सभी का आंसर जो है इशफाक गुल। बहुत जल्दी जल्दी नाम ऊपर जा रहे हैं, रेनू, सुमन, मानिक, देखिए साथिका, कपिल, मामूनी, अमृतपाल, तो ऑलमोस्ट सभी का आंसर। दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन, और इसका राइट आंसर इज डेफिनेटली फर्स्ट का आंसर इज सेकंड, दैट इज बी ऑप्शन, और आंसर इज हसन रूहानी। तो देखिए आपके लिए मैंने ग्रीन ऑप्शन कर दिया है, और उस ग्रीन ऑप्शन को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि ईरान के प्रेसिडेंट का नाम क्या है, हसन रूहानी। ईरान की कैपिटल तेहरान, ईरान की करेंसी रियाल, ईरान के पार्लियामेंट का नाम क्या है, मजलिस। तो इन चीजों को जरूर जानते हुए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और आप सभी जो है बिल्कुल रुपेश राज जी केवीएस एलडीसी के लिए इसी लिंक को जो है हम डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर देंगे, आप वहां से इस चीज को डाउनलोड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। विद विच बैंक इंडिया हैज साइंड US$100 मिलियन लोन अग्रीमेंट फॉर राजस्थान वाटर सेक्टर रिस्ट्रक्चरिंग प्रोजेक्ट फॉर डेजर्ट एरियाज? तो किस बैंक के साथ इंडिया ने जो है इस लोन अग्रीमेंट को साइन किया है? तो ये बड़ा आसान क्वेश्चन, जिन्होंने इस सेशन को अटेंड किया होगा, ध्यान से सुना होगा, उनके लिए ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, और आपका टाइमिंग जो है वो भी चल रहा है, और टाइम जो है वो बहुत जल्दी से बीत रहा है। जल्दी जल्दी इसका आंसर दीजिए कि इसका राइट आंसर जो है वो क्या है, जल्दी से। हसन रूहानी इज द राइट आंसर। लोतिका अब्रोल, वेरी वेरी वेलकम टू यू, फ्रॉम जम्मू है आप, और जम्मू से हैं आप, आपका बहुत स्वागत है, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू अगेन। तो इसका राइट आंसर जो है वो बहुत सही आ रहा है सभी का, और ऑलमोस्ट एवरीवन जो है वो सही है, और द राइट आंसर इज एनडीबी। एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसको ब्रिक्स बैंक भी बोला जाता है, ब्रिक्स बैंक एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसका 2014 में अनाउंसमेंट हुआ, 2015 में इसकी ओपनिंग करेगी इस बैंक की, और ये जो बैंक है इसका हेडक्वार्टर शंघाई में, और एनडीबी के प्रेसिडेंट का नाम है केवी कामत, जो 5 सालों के लिए बनाए गए हैं और वो इंडिया के हैं। तो एनडीबी के प्रेसिडेंट केवी कामत, एनडीबी का हेडक्वार्टर शंघाई, एनडीबी स्टैंड्स फॉर न्यू डेवलपमेंट बैंक, और ब्रिक्स बैंक भी बोलते हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका का एक कंबाइनली बैंक एनडीबी। तो राइट आंसर इज सेकेंड का, थर्ड दैट इज एनडीबी।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन. हु इज द वाइस चेयरमैन ऑफ कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन. तो अभी रिसेंटली पटना के अंदर एक कॉन्फ्रेंस मनाया गया ऑन कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन, सीपीए कॉन्फ्रेंस. संसदीय कार्य प्रणाली को, पार्लियामेंट्री अफेयर्स को कैसे स्मूथ किया जाए और किस तरह से संसद के काम को विकास में लगाया जाए, और इसके ऊपर बात करने के लिए कॉन्फ्रेंस हुआ. और उस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किसने किया? सीपीए ने, दैट इज कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन. उनके वाइस चेयरपर्सन का नाम आपने बताना है, वाइस चेयरपर्सन का नाम. यहां पर गलती हो सकती है स्टूडेंट से, तो ध्यान से इसका आंसर दीजिएगा कि इसके वाइस चेयरमैन का नाम क्या है. देखिए थर्ड क्वेश्चन का आंसर कोई वन भी दे रहे हैं, कोई बी भी दे रहे हैं, बाकी सारे बच्चों का आंसर वन आ रहा है. देखिए यहीं पे तो कंफ्यूजन होती है. मैंने चेयरपर्सन नहीं पूछा, मैंने क्या पूछा? वाइस चेयरपर्सन. तो वाइस चेयरपर्सन जो है उनका नाम बताना है. और देखिए बहुत सारे आंसर्स आ चुके हैं, तो मैं इसके राइट आंसर्स की तरफ चलता हूं. और राइट आंसर इज एलेक्जेंड्रा मेंडिस. तो एलेक्जेंड्रा मेंडिस इज द वाइस चेयरमैन ऑफ कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन. और इनकी चेयरपर्सन कौन है? तो जो फर्स्ट ऑप्शन है ना, फर्स्ट ऑप्शन इमिलिया मोंजोवा लिफाका. इमिलिया लिफाका जो है वो कौन है? तो इमिलिया लिफाका जो है वो चेयरपर्सन है ऑफ कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन. और इनकी वाइस चेयरमैन कौन है? एलेक्जेंड्रा मेंडिस. नेक्स्ट क्वेश्चन. तो आपका टाइम शुरू होता है, टाइम के अंदर इसका आंसर दीजिए. मैं तो नहीं तो टाइम ओवर कर दूंगा. तो 30 सेकेंड स्टार्ट हो चुके हैं. हाउ मेनी टाइम्स डज नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन, तो हाउ मेनी थीम्स डज नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एग्रीकल्चर 2022 डबलिंग फार्मर्स इनकम है. तो एग्रीकल्चर 2022 डबलिंग फार्मर्स इनकम के कितने थीम है? 1, 2 या 3? तो ऑप्शन जो है वो है 6, 7 और 8. तो आपको राइट आंसर देना है ए बी सी के अंदर 6, 7 और 8. व्हाट इज द राइट आंसर फॉर फोर्थ क्वेश्चन? तो चौथे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? जल्दी से इसका आंसर दीजिए. लास्ट क्वेश्चन का आंसर वाज 2, दैट इज एलेक्जेंड्रा मेंडिस. लेकिन इसका राइट आंसर आपने देना है कि 4 का राइट आंसर क्या है. तो मिला जुला आंसर आ रहा है, किसी का 6 आ रहा है, किसी का 7 आ रहा है, किसी का 8 आ रहा है. राइट आंसर जो है, थैंक यू सो मच मोहित जी, आपने इतना समय निकालने के बाद और आपने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स आपके अंदर ऊर्जा भर देते हैं कि लगातार बोलने की जो क्षमता है ना, और जो एक ताकत है वो आप सभी से मिलती है. और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. तो देखते हैं, बिल्कुल आपने ही सबसे पहले बताया. और द राइट आंसर, बहुत सारे आंसर्स आ चुके हैं, तो राइट आंसर इज 7. तो फोर्थ का आंसर इज ऑप्शन सेकंड, दैट इज 7. तो नेशनल एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस जो है, एग्रीकल्चर 2022 डबलिंग फार्मर्स इनकम, इसका थीम कितने थे, कितने थीम्स रखे गए इसके अंदर? तो 7 थीम्स रखे गए. तो राइट आंसर इज 7. और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ. रॉजर फेडरर रिप्रेजेंट विच कंट्री? रॉजर फेडरर जो रिसेंटली सबसे उम्रदराज प्लेयर बने हैं टेनिस के अंदर, नंबर 1 रैंकिंग हासिल करने वाले, वो किस कंट्री से, किस देश से बिलोंग करते हैं? जल्दी से उसका आंसर दीजिए. सर्बिया, स्विट्जरलैंड और स्पेन. तो आपको एक और होमवर्क दे देता हूं मैं यहीं पर कमेंट बॉक्स के अंदर, टाइम बहुत कम रह गया है. आपको सर्बिया का भी एक प्लेयर का नाम बताना है, और स्विट्जरलैंड का भी एक प्लेयर का नाम बताना है, और स्पेन के भी एक प्लेयर का नाम बताना है. तो देखते हैं कितने स्पोर्ट्स लवर्स हैं हमारे इस व्यूअर्स के अंदर, और इन व्यूअर्स के अंदर कितने स्पोर्ट्स लवर्स हैं जो सर्बिया के फेमस टेनिस प्लेयर का नाम यहां पर बता सकते हैं, स्विट्जरलैंड के फेमस टेनिस प्लेयर का नाम, और स्पेन के फेमस टेनिस प्लेयर का नाम जो है वो यहां पर बता सकते हैं. तो राइट आंसर जरूर आ रहा है, सेकेंड 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 सेकेंड, बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही आंसर है. तो रॉजर फेडरर रिप्रेजेंट विच कंट्री? दैट इज स्विट्जरलैंड. लेकिन मेरा क्वेश्चन ये कि सर्बिया और स्पेन के जो फेमस प्लेयर है उनका भी नाम बताइए आप. बिल्कुल सही आंसर है, स्विट्जरलैंड इज द राइट आंसर. रॉजर फेडरर इज अ स्विस प्लेयर, और वो रिसेंटली दुनिया के ओल्डेस्ट प्लेयर बने हैं जिन्होंने नंबर 1 रैंकिंग हासिल करी है. तो चेयरमैन ऑफ इसरो कौन है? उसका राइट आंसर देना है, बिल्कुल सही. और देखिए यहां पर नीतीश गुप्ता, पिंकी, बिल्कुल राघव जी आपने सबसे पहले आंसर दिया, जोकोविच, और बिल्कुल, तो सभी का आंसर जो है वो सही आ रहा है. तो सभी स्पोर्ट्स लवर्स हैं. और द स्पेन के सबसे फेमस प्लेयर राफेल नडाल, जिनको पीछे छोड़ते हुए रॉजर फेडरर ने नंबर 1 रैंकिंग हासिल करी. और सर्बिया के सबसे फेमस प्लेयर कौन है?
नोवाक जोकोविच, नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल और रॉजर फेडरर, ये तीनों दिग्गज टेनिस क्षेत्र के जिनके नाम पेपर्स में जरूर पूछे जाते हैं, इस वजह से मैंने ये रिपीट करवा दिया। और लास्ट क्वेश्चन आज के इस करंट अफेयर्स द वेकअप शो का और इस क्विज सेशन का, ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसका आंसर दीजिए, हु इज द चेयरमैन ऑफ इसरो। तो इसरो के चेयरमैन का नाम आपने बताना है, इसरो के चेयरमैन का नाम बताइए, जो मैं ऑलरेडी आपसे पूछ चुका हूं, लेकिन फिर से एक रिवीजन हो जाएगी आपके। इसरो के चेयरमैन का नाम जो है वो क्या है? तो एग्जैक्टली के शिवन इज द राइट आंसर। ये ऑलरेडी हम अपने सेशन में कर चुके थे, इसरो के चेयरमैन का नाम इज के शिवन। तो उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन जो है आपको जरूर अच्छा लगा होगा। और आज के सेशन के अंदर पहले हमने हेडलाइंस को जाना, उन्हीं हेडलाइंस को विस्तार से जाना, ये करंट अफेयर्स को समझना भी बहुत जरूरी है, और उसके बाद क्विज सेशन को भी हमने अटेंड किया। तो बहुत सारे फ्रेंड्स और अल्टीमेटली मोर देन 110 फ्रेंड्स जो है आज हमारे साथ जुड़े, स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल सुबह जरूर मिलेंगे 8 बजे, और कल सुबह हमारे 8 बजे जो है वो मुलाकात जरूर होगी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का शो हम यहीं पे समाप्त करते हैं, कल मिलेंगे सुबह 8 बजे, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।